Hello my dear students, our 9th chapter is completed in PDF. Okay, PDF आपके पास आ चुका है पूरा chapter 9 का, लेकिन अब मैं next आपके exercise के लिए एक बार और आपको समझाना चाहती हूँ. Exercise है 9.3, question number है write the next three equivalent fractions. What is equivalent? Equivalent मतलब बराबर देखा जाए तो equal है ना. तो ये क्या है, इसको कैसे सॉल्व करना है, हमको इसके नेक्स्ट थ्री इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे निकालना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ. मान लो एक फ्रैक्शन है हमारा 8/11, ठीक है. अब इसके नेक्स्ट कितने बोला उन्होंने, थ्री इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना है अपने को. तो हम क्या करेंगे, वन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. अगर मैं वन से मल्टीप्लाई करूंगी दोनों नंबर को तो सेम नंबर आएगा. तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, दोनों को टू से. न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और डिनोमिनेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगी. वो कैसे, देखिए सबसे पहले 8 मल्टीप्लाई बाय 2 और 11 मल्टीप्लाई बाय 2. ओके ठीक है. कभी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने के लिए बोले तो हमको दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हमको किससे मल्टीप्लाई करना, पहले 2 से. मान लो 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से, फिर 4 से. तो कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे, 3. मान लो 4 बोले कि नेक्स्ट 4 बताओ या नेक्स्ट 5 बताओ, तो जितनी बार बोले उतनी बार हमको निकाल के बताना पड़ेगा. अब इन्होंने कितना बोला है, 3 बार. तो 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है हमको इसके. तो उसके लिए सबसे पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी. 8 2 जा 16, 11 2 जा 22. ओके तो ये हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकला. नेक्स्ट होगा मेरा वापिस 8 को किससे करूंगी हम, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 11 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है. 8 3 जा 24, 11 3 जा 33. कितने टाइम हो गया, 2 टाइम हो गया. हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स. ओके यस, कितनी बार हो गया, 2 टाइम हो गया. अब नेक्स्ट वापस बनाना आपको 3 टाइम बोला उन्होंने, तो मैं क्या करूंगी वापिस से 8/11 किस करूंगी, 4 से. 11 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 4 जा 32. ओके 11 4 जा 44. तो नेक्स्ट 3 बोला उन्होंने, ठीक है. तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा हमारा, इसके नेक्स्ट बताना है. तो फर्स्ट कौन सा होगा, 16/22, 24/33, 32/44. तो 1, 2, 3. तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर इज क्या लिखेंगे हम, 16/22, नेक्स्ट क्या है 24/33, नेक्स्ट है 32/44, ठीक है. तो देखो हमारा एडिटेबल बन रहा है, 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32. फिर 11 का देखो, 11 बन जाए 11, फिर 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44. तो ये इक्वल होता जा रहा, बराबर में जा रहे, ठीक है. आया आपको समझ में, जब भी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पूछे हैं, नेक्स्ट 3 या नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5, तो स्टार्ट कहां से करना है, हमको पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 से करना है, ठीक है. और फिर बाद में आंसर में हमको काउंट करना है कि हमने 3 टाइम निकाला है कि नहीं निकाला है. हाँ यस, 1, 2 एंड 3. ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ मैं. यस नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट और नॉट, फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे. हाँ ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 3/8, 6/16 आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. क्या ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, क्या ये फ्रैक्शन बराबर है ना. तो हम कैसे करेंगे, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे. 3/8 and 6/16, इसको हमको क्रॉस में हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे. क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखिए
3 मल्टीप्लाई 16, 16 3 जा 16 मतलब 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, ओके कितना है आंसर हमारा 48। अब क्या हमारा ये वाला भी इसके बराबर है, तो हमने इक्वल का साइन लगाया पीछे, तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे वापस से और लिखेंगे 8 6 जा कितना होगा 8 6 जा 48, तो कितना आया हमारा आंसर 48। जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो भी 48 आया, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो भी 48 आया, मतलब इन दोनों का आंसर सेम आया है। यस इट इज अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हाँ यह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो क्या लिखेंगे आंसर, क्या लिखेंगे हम, यस 3/8 एंड 6/16 इज अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यस ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आज हमने कोई भी फ्रैक्शन दे रहे हैं हमको पूछे कि क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मान लो इन दोनों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस इट इज नॉट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, आंसर ऐसा होगा है, लेकिन यहाँ आंसर सेम आ रहा है, यस इट इज ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ओके।